body class. Good morning to all of you. Very good morning. Good morning. Now you all take your seat. Sit down, all of you. Sit down. Okay, see. Now you all look at ma'am. सब बच्चे ma'am को देखेंगे and ma'am को बताएंगे how many of you have pet animals at your homes. आपके घर में कितने बच्चों के घर में pet animals है या domestic animals है? कितने बच्चों के घर में है? Raise your hands. One, two, three. आपके घर में है. Only three students. चलिए ठीक है. Okay. Name few pet or domestic animals. मैम को कुछ pet animals के और domestic animals के नाम बताएंगे ना, है ना, जिनको हम घर में पालते हैं, अपनी हेल्थ के लिए भी पालते हैं और कभी कभी pet animals like हमें शौक होता है, शौक में पालते हैं. तो जल्दी से मैम को names बताइए. जल्दी से dog, okay, and yes, cat, very good. Rabbit, cow, okay, dog, cat, rabbit, and speak loudly, yes, okay, cow, and buffalo, yes, okay, very good, okay, see, जो आपने मैम को बताए हैं, ये domestic and pet animals हैं, right? Yes. Now tell me few wild animals जिनको हम जंगल में देखते हैं, जिनको हम पालते नहीं है घर पे. They live in forest, जो जंगल में रहते हैं सिर्फ. Few animals के मैम को names पर. Tiger, very good. और बताइए. Bear, yes, it is tiger. Very good, bear. And lion, very nice. और बताइए मैम को deer. चलिए ठीक है. डियर ऑल्सो लिव्स इन फॉरेस्ट. और बताइए. यस ओके. सो आपने भी मैम को बताए कुछ फ्यू डोमेस्टिक पेट एनिमल्स प्लस वाइल्ड एनिमल्स. ओके सी सी ऑल ऑफ यू नो हियर. डॉग, कैट, रैबिट, काउ, बफेलो, टाइगर, बेयर, लॉयन, डियर. इतने सारे एनिमल्स आपने मैम को बताए हैं. नाउ यू ऑल टेल मी विच एनिमल इज नोन एज किंग ऑफ द फॉरेस्ट. किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? सभी बच्चे यहां देखेंगे. व्हिच एनिमल इज नोन एज किंग ऑफ फॉरेस्ट? यस, किसने रिप्लाई किया? वेरी गुड, इट इज लायन. वेरी गुड. सो यू ऑल नो दैट व्हिच एनिमल is known as the king of the forest. And ma'am board par kya draw kar rahi hai? Look at this carefully. What is this? It is a picture of lion. Very good. So this animal is known as king of forest. See how is it? Okay, so अब हम मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चों ने लायन की स्टोरी सुनी है? लायन की स्टोरी सुनी है. सो टुडे मैम इज गोइंग टू टेल यू अ वेरी नाइस स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ माउस, राइट? सो टुडे विल स्टडी चैप्टर लेसन 16 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द Speak after mom. Speak all of you. The lion and the mouse. Okay? The lion and the mouse. See, everybody see here? This is a picture of lion. So once, ek baar ki baat hai, a lion was sleeping. Ek sher so raha tha. Then, a mouse came to him. Ek chuha mouse uske paas aaya and the mouse started playing there. माउस ने वहां पर खेलना शुरू कर दिया. ओके, एंड द लायन वाज स्लीपिंग देयर. देन अब नींद में लायन को डिस्टर्ब हुआ, होता है ना ऐसे डिस्टर्ब. देन द लायन शाउटेड, बहुत जोर से चिल्लाया, एंड द लायन कॉट द माउस. माउस को उसने पकड़ लिया, राइट? सो अब चूहा तो घबरा गया कि अभी ये क्या हो गया. द माउस सेड दैट प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दो, एंड आई विल नॉट रिपीट दिस. मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा. सी
आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी मेरी हेल्प की तो मैं आपकी मदद करूंगा. ऑन लिसनिंग दिस, ये सुनकर द लायन लाफ्ड. लायन को ना हंसी आने लगी ऐसे की सी क्या कहा उसने, ऐसे इस बात पे क्या रिप्लाई दिया लायन ने, सी योर सेल्फ, अपने आप को देखो, दैट यू आर वेरी स्मॉल इन साइज, तुम साइज में इतने छोटे से हो, हाउ कैन यू हेल्प मी, तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे, हाउ. अब ये बात सुनकर माउस ने रिप्लाई किया, नो सी इन फ्यूचर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है, देन मैं आपकी हेल्प करूंगा. और ये बात सुनकर हंसते हुए द लायन फ्री द माउस, लायन ने माउस को छोड़ दिया. देन आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन की बाद क्या हुआ, द लायन कॉट इन अ नेट. लायन को किसी ने नेट में, जाल होता है ना बहुत बड़ा, उसमें लायन को किसी ने पकड़ लिया. द लायन रोड एंड रोड, अब दहाड़ रहा था शेर कि मतलब क्यों कर रहा था वो ऐसे, दैट समवन आए कोई और उसकी हेल्प करे. सो द लायन रोड एंड रोड, अब वहां से वो माउस गुजर रहा था, द माउस सॉ दैट द लायन नीड सम हेल्प, है ना, लायन नीडेड सम हेल्प. सो व्हाट द रैट, व्हाट द माउस डिड, द माउस निबल्ड एट द नेट, उसने वो जो नेट था जिसमें लायन को पकड़ा हुआ था उसको उतर दिया, काट दिया. नाउ द लायन वॉज फ्री, अब शेर पूरी तरह से आजाद. सो व्हाट द लायन सेड टू द माउस एट द एंड, क्या कहा उसने, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए. ओके, सो हाउ इज द स्टोरी, कैसी लगी, अच्छी, ओके. सो यू ऑल लुक हियर, द स्टोरी लायन एंड द माउस, अभी हमने सुनी है ना, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट द एक्ट ऑफ काइंडनेस, द एक्ट ऑफ काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड. हम कोई भी काम अच्छा करते हैं ना, हम किसी की हेल्प करते हैं या हम किसी को केयर करते हैं, किसी से बहुत लविंगली बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है ना, उसका हमें रिटर्न जरूर मिलता है, गॉड हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं. सो हमेशा हमें काइंडनेस, पोलाइटली और केयरिंग बिहेवियर रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो अंडरस्टूड द स्टोरी, ओके, वेरी गुड. सो नाउ यू ऑल सी हियर, नाउ लेट मी नो दैट, ओके, नाउ मैम को अब ये बताओ, व्हाई डिड द लायन लेट द माउस फ्री, शेर ने चूहे को आजाद क्यों किया. यस, ओके, इट इज बिकॉज इट वॉज, द माउस वॉज वेरी स्मॉल इन साइज, एंड माउस ने ये भी बोला दैट सम डे, किसी दिन आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. ओके, एंड एट द लास्ट व्हेन द लायन वॉज फ्री, जब लायन फ्री हो गया, व्हाट डिड ही से टू द माउस, उसे माउस को क्या बोला, यस ही सेड थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. ओके, क्लियर है स्टोरी, चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच.